પઈ તારી પાસે છે ગાયન થી સ્તુતિ કરીશું મહિમા મહાત્મય તારી પાસે છે ગાયન થી સ્તુતિ કરીશું પવિત્ર પરમેશ્વર પ્રભુ ઈસુને દંડવન પ્રણામ કરીશું પવિત્ર પરમેશ્વર પ્રભુ ઈસુને દંડવન પ્રણામ કરીશું મહિમા મહાત્મય તારી પાસે છે ગાયન થી સ્તુતિ કરીશું મહિમા મહાત્મય તારી પાસે છે ગાયન થી સ્તુતિ કરીશું हालेलुया हालेलुया। गया हफ्ता में हमने कुछ वचन को हमने ध्यान किया था, उसको हमने थोड़ा ध्यान करके फिर हमने कुछ बाकी रखा था वचन में, तो उसको लगातार हम आज ही ध्यान करेंगे। प्रभु हम आशीर्वाद करके दे, आमीन हालेलुया। रोमर का पत्री उसका 2:7 में हमने पढ़ा था, रोम का 2:7 पढ़ेंगे। जो सुकर में के सुगर में हैं स्थिर रहकर महिमा हाँ और आदर हाँ और अमरता की खोज में है हाँ उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आमीन हालेलुया। सुरकर्मा अनेक प्रकार का मुसीबत तकलीफ के बीच में हम नाराज हो जाते, दुख हो जाते है, लेकिन इस दुखों के बीच में प्रभु अपनी इच्छा का द्वारा, अपने मर्जी का द्वारा अपन को चलाकर परमेश्वर के लिए सब कुछ सघन कर हम जिएंगे तो एक आनंद काल जीवन हमको प्रभु देने वाला है। आमीन हालेलुया। दुख हो रहा है, मुसीबत हो रहा है, कष्ट हो रहा है करके हम प्रभु को ऊपर हम बातों गुनाहगार का बात बोलना नहीं चाहिए। याकोब में इस प्रकार एक वचन में लिखा है, याकोब में करने वाला काम इस दुनिया में हम कर लेते, हमारा इच्छा हमारा पसंद, हम कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या वस्तु करना है करके हम इच्छा कर लेते, सब कुछ इच्छा हमारा इच्छा का प्रमाण इस दुनिया में हम लोग जी कर कभी मुसीबत तकलीफ दुख आने के टाइम में हम पता रहे क्या बताते हैं, क्यों इस तकलीफ आया, क्यों मुसीबत आया, हमको इसी तकलीफ का क्यों प्रभु अनुमति दिया है, ऐसा करके हम बताते हैं। हम अपने जीवन में एक बात याद रखना, लोत के बारे में हमको पता है, अब्राहम का साथ रहने वाला, एक ही जगह से अब्राहम का साथ में एक ही जगह से रवाना हुआ है, प्रभु बोला हुआ जगह पे जाने के लिए अब्राहम से बात किया प्रभु ने, उसको साथ में इनका लड़का है उसका साथ में रहने वाला लोत साथ में आया। आने के टाइम में उनकी प्रभु एक एक जगह पे लेके जाने लगे तो वहाँ प्रभु का आशीर्वाद भी बढ़ने लगे। कभी किसके ऊपर भरोसा करके, अब्राहम प्रभु के ऊपर भरोसा किया, लोत अब्राहम के ऊपर भरोसा किया, लेकिन भरोसा करके आया काम धंधा वाला लोग, पकड़ा चलाने वाला इनका उनका पीछे में एक लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, छोटे से एक झगड़ा होने के कारण उनका अंदर वो रह नहीं पाया, वो बोलने लगे अभी मैं इधर नहीं रहूँगा आपका साथ। मुसीबत होने के टाइम में, तकलीफ होने के टाइम अब्राहम से अलग से होने लगा, अब्राहम को छोड़ दिया है, तुमको रास्ता पता के लेके आया हुआ यहोवा परमेश्वर उसको ऊपर भरोसा करके गया हुआ अब्राहम, लेकिन आज थोड़ा छोटी सी बातों में मुसीबत आने का कारण, कोई तकलीफ आने का कारण, काम वाला लड़ाई करने का कारण इसके जीवन में
अब्राहम चलने वाला रास्ता हरा हरा रास्ता नहीं था। प्रभु किधर बोलेगा उधर चलेगा, उसका मर्जी में नहीं है। उधार पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने बुलाया हुआ व्यक्ति, हमारा मर्जी से जाने वाला रास्ता हमको नहीं चुनना है कभी भी जिंदगी में। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता रखा है। आमीन, हालेलुया। आज हम अनेक लोगों को, विश्वासी भाई बहन लोगों को, हम अपनी अपनी पसंद का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अपनी पसंद का रास्ता ढूंढने का कारण उनके जीवन में बड़ी मुसीबत तकलीफ आने के टाइम में प्रभु के अंदर स्थिर नहीं रह पा रहा है। अब्राहम को लेके जा रहे हैं प्रभु जंगल का रास्ता में से, कहाँ जाने वाला पता नहीं, उनका साथ रहने वाला शायद लोग भी पूछा होगा, हम कहाँ जा रहे हैं पता, अब तो जाते रह रहा है, किधर जा रहा है पता। अब्राहम बोला हुआ, मुझे नहीं मालूम है भाई, आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ प्रभु ने बुलाया, उसका आवाज़ सुन के मैं आ रहा हूँ, बस खत्म हो गया। इज़राइल लोगों एगिप्त देश में से छुड़ा कर उनको काना और लेके जाने के लिए प्रभु मोसे किस मोसे से बात किया है, लेकिन अब्राहम से प्रभु ने चल करके बोला, बस इतना है, कहाँ जाना पता नहीं है। लाखों लाख एगिप्त के अंदर रहने वाला व्यक्ति लोग को छुड़ाने का टाइम मैं उसी जगह पे उसी पर्वत में इसी कानान देश में मैं लेके जाऊंगा करके प्रभु ने वायदा किया है, लेकिन अब्राहम को नहीं वायदा किया, बस उठाओ चलो, विश्वास किया। इसलिए विश्वास का पिता है वो, विश्वास करके चला। आज दुनिया में अक्की बाइबल में एक विश्वास का पिता बोलेगा तो अब्राहम। आमीन, हालेलुया। अब्राहम आ रहा है, आने के टाइम में वो जाने वाला रास्ता एक जगह पे देखेगा आ रहा लगता है, वो गांव में जाएगा तो अच्छे कास बेस मीन सब मुझ मिलेगा, खाना मिलेगा करके अब्राहम देख गया मालूम है, लेकिन उधर अपना मुंडी को अपना चेहरा को उधर नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम किधर देखा, प्रभु का बात में क्या है, वो कौन सी रास्ता में मुझे लेके जा रहा है, उसके ऊपर ही अब्राहम ध्यान किया। भाई बहनों, दूसरी कोई बातों में ध्यान नहीं किया, लेकिन लोत ऐसा नहीं किया। लोत ने क्या सोचा, ये रास्ता में मैं जाऊंगा तो मेरे को मुसीबत उठाना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है मालूम नहीं है, ये जगह में मैं जाऊंगा तो अकल आएगा, तकलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, ऐसा करके लोत ने सोच लिया, समझ लिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए छोटी सी एक बातों में लड़ाई होने के टाइम में लोत बोलने लगा, मैं जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा बाप को अलग करके दे दो। आमीन, हालेलुया। सोचो, अब अब्राहम ने बोला, भाई तू किधर जाएगा, जाओ। पहले उससे बोल के देखा, वो नहीं मान रहा था, कहाँ जाने का, जाओ। तो उसकी नज़र पहले से उसकी नज़र मालूम था कि भाई एकदम वो जगह में आर आर आ जगह आशीर्वाद जगह है, किधर आशीर्वाद है, वो जगह को ऊपर पसंद किया। आज भारत देश में रहने वाला व्यक्ति लोगों को अमेरिका जाना है, उधर बहुत पैसा है, आशीर्वाद, दुबई जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बाहर देश जाने का आशीर्वाद मिलेगा, उधर बहुत बड़ा पैसा, इधर 5,000 पगार होगा तो वहाँ 50,000 पगार, लाखों रुपया का पगार, आशीर्वाद के लिए अमेरिका को ढूंढते हैं, लंदन को ढूंढते हैं, दुबई को ढूंढते हैं काम धंधा के लिए, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, इधर रख के कमा नहीं सकता हूँ, इधर मैं अच्छा से रह नहीं सकता हूँ, मुझे जाना है करके। आज अनेक लोगों वहाँ पढ़ाई करके क्या करना है, होटल मैनेजमेंट पढ़ूँगा, बाहर देश चला जाऊँगा, क्या करना है उधर जाके कोई ना कोई धंधा करूँगा, इधर नहीं करूँगा भाई, ऐसा बोल के लोग भाग रहे समझ लो। किसके लिए,
कौन सी देशों में प्रभु ने रखा, प्रभु ने बोला हुआ देशों में छोड़कर, इधर उसको लिए मिला हुआ काम धंधा को छोड़कर हमें नाले लिया भाग रहा है, लोग जा रहा है। प्रभु का नाम महिमा हो। इसी प्रकार लोत जाने लगा। आज भी ये कोरोना का बीमारी का अंदर हम देखेंगे, अच्छा आशीर्वाद नंबर वन जगह अमेरिका, लेकिन बीमारी में भी नंबर वन जगह, मरा हुआ जगह भी नंबर वन जगह। आमीन हालेलुया। आज वहाँ रहने वाला सब तड़प रहा है, हमारा देश में हमको जाना है, हमको छोड़ दो, हमको खाली सूखा रोटी मिलेगा तभी बहुत हो गया, हमको छोड़ दो। आशीर्वाद किधर गया भाई, पैसा किधर गया, नहीं चाहिए। अपनी जान को बचाने के लिए लोग बताने लगे, बता रहा है टीवी में, मीडिया में, फ्लाइट छोड़ो, हम जल्दी से जल्दी हमारा देशों में जाना है, हमारा रिश्तेदार को मिलना है। नॉर्मल रहने का टाइम बोलेगा कौन आएगा इंडिया में, इंडिया हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अपनी देशों को ऊपर कहाँ प्रभु ने बोला हुआ रखा हुआ देशों को ऊपर प्यार कर रहा है। देखो ज़्यादा मरण, बीमारी, तकलीफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मरेंगे तो हमारा देशों में जाके मरेंगे करके लोग पटक रहा है। इसी प्रकार लोतों का जीवन में भी एक आशीर्वाद जगह को ढूंढा लोत, हरा हरा दिखने वाला जगह, किधर हरा हरा दिखने वाला जगह, किधर तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कौन सा बढ़िया लगता है, कौन सा तेरे को नज़र में आशीर्वाद से बढ़िया लगता है, वो जगह में पाप ज़्यादा लगता है। आमीन हालेलुया। लोत ने गया हुआ जगह पे एक नंबर का पाप चलने वाला जगह था, विभचार का काम, मारामारी का काम, झगड़ा का काम। आज भी बाहर देश में, अनेक देशों में लोत का समय पर हुआ हुआ उसी गांव में हुआ, आज ऐसे हो रहा है। अनेक प्रकार का पाप पड़ रहा है देशों में। प्रभु ने अनेक प्रकार का बातों को लोगों को समझाता है, पाप से मन फिरो करके समझाता है। लोग प्रजा लोग को नहीं समझ में आता है, अपनी मन में अपनी मर्जी में, कैसे लोग ने अपनी मन में अपनी मर्जी में इसी देशों को पसंद किया, इसी प्रकार आज लोग अनेक प्रकार का पसंद करते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं, अच्छा लगता है उनको। तुम किसकी साथ आया, अब्राहम के साथ आया है, विश्वास का पिता का साथ। उसी ने किसको ऊपर भरोसा किया, आकाश पृथ्वी बनाए हुआ प्रभु को ऊपर भरोसा किया, उसी प्रभु को छोड़कर आज थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा करके, आज थोड़ा अच्छा होगा करके अपनी देशों को छोड़ते हैं, प्रभु की इच्छा को छोड़ते हैं। हमारा गांव में एक भाई है, इधर रह के मैं कमाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मुझे मलेशिया जाना है करके मलेशिया चला गया, वहां जाकर कमाए, कितना पीने का उतना पी रहा है। आमीन हालेलुया। दारू पी रहा है, सब कुछ पिया, 5 साल रिया उधर, 5 साल के बाद वापस लौट के गांव में आया। उसका बाप, मेरा बच्चा आ रहा है 5 साल के बाद, बहुत कुछ पैसा लेके आएगा करके वो राह दे के बैठा, जमीन को बात करके रखा, मेरा लड़का आएगा ये जमीन ले लूँगा, घर बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। आके देख रहा है उसका पास 1 रुपया नहीं है। हमें ना ले लिया, किधर चला गया, आशीर्वाद देश है, सब कुछ पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, वहाँ पाप भी ज़्यादा है। हमें ना ले लिया, पाप उसको घेर लिया, पाप उसको कब्जा कर लिया, दारू पीने का आदत सिखा दिया, व्यभिचार करने का आदत सिखा दिया, सब बातों में बिगड़ गया,
अभी गांव में आके अभी मुर्गी का धंधा कर रहा है। हमें हालेलुया, मुर्गी लेके कट के रविवार के दिन हफ्ता में एक बार मुर्गी बेच के कमा रहा है। समझ लो, प्रभु ने रखा हुआ जगह पे रहता, आज भले इधर 10,000 रुपये कमाता हो, 15,000 रुपये कमाता हो, लेकिन आज उसका काम का एक ठिकाना हो जाता, एक नौकरी का एक ठिकाना हो जाता। लोग इच्छा आशा, उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, ऐसे चर्ची छोड़ के भागते हैं ना, ऐसे ये चर्ची में जाऊंगा, वो चर्ची में जाऊंगा, इधर के जाऊंगा, ये पास्टर के पास जाऊंगा, वो पास्टर के पास जाऊंगा, इधर भी जाएगा। प्रभु रखा हुआ जगह को छोड़ के जाने वाला व्यक्ति, उनके जीवन में आशीर्वाद नहीं पाया है, उसके जीवन में कष्ट आया है, मुसीबत आया है। प्रभु ने रखा हुआ जगह को छोड़ के जाने वाला व्यक्ति को उनके जीवन में बड़ी विपत्ति आया है, मुसीबत आया, तकलीफ आया है, किसकी जीवन में एक आशीर्वाद का बात ही नहीं आया है। आमीन हालेलुया। थोड़ा दिन ऐसा लगेगा मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, थोड़ा दिन ऐसा लगेगा मौत ठीक से चल रहा है करके, लेकिन कुछ समय के बाद उनके जीवन बड़ी मुसीबत में चला जाता है। आमीन हालेलुया, हालेलुया। ये लोग अंदर गया, उधर खाना पीना अच्छा मिला, भाई बहनों सोना भी था वो गांव में, अच्छा है सब कुछ, लेकिन प्रभु नहीं है। सब कुछ मिलेगा संसार में, प्रभु है क्या तेरा पास? हमने पहले पढ़ा हुआ वचन में प्रभु के अंदर अब्राहम ने अनेक बातों में कष्ट को उठाया, वो कष्ट इसे अब्राहम को प्रभु का राज्य में लेके जाएगा। आमीन हालेलुया, लेके गया। लाजर करके एक व्यक्ति भिखारी, भीख मांगने वाला मर रहा है, मर के एक ऐश्वर्यवान भी मर रहा है, लेकिन लाजर मर के किधर था? अब्राहम गोद में करके यीशु कह रहा है, उसके अर्थ अब्राहम प्रभु के चरणों में पहुंच गया। कष्टों के पीछे में उसका रास्ता था, कहां जाने का मालूम नहीं, विश्वास का जीवन में उसका रास्ता था, उसी रास्ता को प्रभु ने बोला हुआ रास्ता को फॉलो किया। लोत अपनी जीवन में रास्ता को फॉलो नहीं किया, पीछ में छोड़ के भाग गया। आशीर्वाद चाहिए, पैसा चाहिए, हमें हालेलुया, कुछ ना कुछ चाहिए, मिलेगा 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 करके गया। वहाँ उसके लिए पैसा मिल रहा है, उसके लिए खेत मिल रहा है, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, व्यभिचार का एक नंबर का काम चल रहा है। उसके बच्चा लोग को संभालने के लिए मुसीबत हो गया भाई, उनकी बच्चा बाढ़ आशीर्वाद का जगह में बच्चा लोग का बिगड़ जाते हैं, अलग अलग जगह पे इसी प्रकार का बातों में बिगड़ जाते हैं। उधर चला गया, हाँ देखो बड़ा सिटी है, ओ बड़ा एरिया है, आमीन हालेलुया, बड़ा है बड़ा है बड़ा है करके गया। एक दिन उनके अक्रम को देखा, उसको उस वो गांव में शोधन कुमार का अंदर उधर देखा हुआ बातों को प्रभु ने देखा। प्रभु देखते नहीं रहेगा, हमारा परमेश्वर आकाश में से इस वृत्ति को देखते रह रहा है, कौन सी देशों में, कौन सी जगह में, कौन सी बातों में लोग कितनी पाप कर रहा है, लोग कितनी मेरे विरोध में खड़ा हो रहा है करके प्रभु देख रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार प्रभु अपनी लोगों को ऊपर रखा हुआ प्यार के लिए प्रभु उसको छोड़ देता है। अमुक समय छोड़ देगा। सिप्रा का सौदा कुमार को लोत कांदा अमुक समय छोड़ दिया, इंजॉयमेंट बड़ी। आज देश भर कर क्या क्या प्लानिंग बनाया, हमारा भारत देश का प्रथम ने क्या क्या प्लानिंग बनाया, अमेरिका वाला कितना बनाया, पीछे में अमेरिका के बारे में पढ़ने कटे, अमेरिका का नोट में लिखा है गॉड का दिया हुआ जगह है करके, प्रभु का आशीर्वाद किया हुआ जगह, रोम हर एक जगह पे देखो आज उधर पाप होने लगा,
कितना भी शादी कर सकते हैं, करो, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं बोलता है। 12 साल का बच्चे, 13 साल का बच्चे, महीना वाली 25 साल होने के पहले उसने 4 शादी 5 शादी कर दिए थे, कोई बोल नहीं सकते वहाँ। छोटी छोटी लड़की, छोटे छोटे लड़का भी शादी, प्रभु का आराधना करना छोड़ देते हैं, टाइम पास घूमने का, पीने का, सब नाचने का, फ्री, ठीक से कपड़ा पहनने का नहीं। इसी प्रकार सिर्फ अमेरिका नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा देश, भारत में भी ऐसा आया अमुक जगह पे, बॉम्बे बड़ी के बोले कल्चर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कपड़ा ठीक से नहीं है, पाप उच्च में कूद रहा है, बाकी देशों में कूद रहा है, मॉडलिंग मॉडलिंग देखो, मॉडल है करके कूद रहा है। किस तरफ से इस मॉडलिंग की खुदी मारा था सोदमन का अंदर, इसी प्रकार पाप उधर भी खुदी मारा था, प्रभु ने देखा, अभी इसको नाश करना है मुझे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी देश को मैं आग से जलाने वाला हूं, क्या करूं, प्रभु ने सोचा। कब भरोसा करके, कहाँ जाने वाला करके मालूम नहीं है, कौन सी रास्ता में लेके जाएगा, उसी रास्ता को फॉलो करके आया हुआ अब्राहम के ऊपर प्रभु का प्यार था। भाई याद रख लेना, प्रभु का प्यार किसके पास रहता है, प्रभु के लिए अपनी आप को नम्रता करके प्रभु के लिए मुसीबत उठाने वाला व्यक्ति को, दुनिया के लिए मुसीबत उठाने वाला व्यक्ति को नहीं है, अपना परिवार के लिए मुसीबत उठाने वाला व्यक्ति के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए, उसका सेवा के लिए, उसकी काम के लिए, उसकी बातों के लिए मुसीबत उठाने वाला भाई बहन को प्रभु प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्यार को दिखाता है। सोदम को प्रभु ने बनाया, अब्राहम को पूछने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपना ऊपर भरोसा करके चलने वाला एक दिन बोलेगा अब्राहम प्रभु से पूछेगा, मुझे क्यों नहीं बोला प्रभु। इसलिए आकाश और पृथ्वी बना सर्व सृष्टि करता परमेश्वर, साधारण एक मनुष्य, एक इंसान प्रभु का बात मान के करोड़पति था, पैसा बहुत सारा पैसा धन दौलत के साथ में था अब्राहम, प्रभु ने बोला बात किया उसी बातों में छोड़ के, आज प्रभु बात किया करके बोल रहा है सेवा में आ गया, कुछ दिन के बाद सेवा छोड़ देते हैं, क्या प्रभु बात किया। कुछ लोग प्रभु बात किया करके प्रभु के लिए जीने के लिए सोच रहा है, कुछ दिन के बाद प्रभु को छोड़ देते, अपने आप को जीने लगता है। बोलते हैं प्रभु ने, प्रभु बुलाया होगा तो कष्ट लास्ट तक उठाने के लिए हम तैयार हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब्राहम अपने आप को तैयार हो गया, कहाँ लेके जाएगा तो भी चलेगा प्रभु करके। आमीन, हालेलुया। अब सोच लो, समझ लो, आज का दिन, आज अनेक प्रतिष्ठित करते प्रभु के चरणों में, प्रभु ने मेरे को ऐसा स्वप्न दिया, प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे ऐसा बात किया, प्रभु ने ये किया वो किया करके लोग बताते अनेक पास्टर, अनेक विश्वासी लोगों, लेकिन 1 महीना, 1 साल, 3 महीना, 3 साल में उनकी दर्शन, उनकी विजन सब कुछ भूल जाते। आमीन, हालेलुया। सचमुच प्रभु ने बुलाया होगा तो, सचमुच प्रभु ने किसको पसंद किया होगा तो, आमीन, हालेलुया, वो व्यक्ति प्रभु लेके जाने वाला रास्ता में चुपचाप जाएगा। आमीन, हालेलुया। लोथ का समान जाके वहां बैठेगा नहीं। बात माना हुआ अब्राहम को प्रभु बोल रहा है, अब्राहम प्रार्थना कर, बोल प्रभु को पता, सोदन कुमार को मैं नष्ट करने वाला हूं। अब्राहम को याद आया, अयो वाह, मेरा खून उधर है, मेरे भाई का लड़का उधर है, प्रभु विनती कर रहा है, इतना धर्मी रहेगा तो, इतना रहेगा तो, ये रहेगा तो, वो रहेगा तो,
आप नाश नहीं करेंगे, 1,000, 500, 20, 25 तक आ रहा है, उतर रहा है। लास्ट में प्रभु ने बोला नाश तो मैं करने वाला हूँ, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंदर है उसको लेके चला जाओ। हमें हालेलुया। अब्राहम का प्रार्थना का सुना हुआ प्रभु अपनी दूधों को उतारा, वहाँ लोतों को पकड़ा। हमें हालेलुया। बाहर निकलो बोले तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, इधर मटन मछली खा के आदत हो गए ना, बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही चलेगा इधर ही चलेगा करके वो सोच रहा है। देखो, दूध वो जबरदस्ती करके पकड़ के उसको लेके आया, उसको बोला कैसे नाश हो रहा है, उसको देखना मत, चुपचाप चला जाने का। अब्राहम का कारण तू बच गया। आज भी अनेक विश्वासी भाई बहन ये कोरोना का बीच में से बचने का एक ही कारण है। अनेक लोग पास्टर, अनेक सेवक लोग विनती कर रहा है प्रभु के सामने, अनेक लोग प्रार्थना कर रहा है प्रभु बचाओ बचाओ करके। कैसे सोदो कुमारों को प्रभु ने नाश किया, ऐसे इसी देशों को नाश करने के लिए एक मिनट प्रभु को नहीं लगेगा। फिर भी अपनी लोगों को प्रभु प्यार कर रहा है। आमीन हालेलुया। अपनी लोगों को प्यार कर रहा है प्रभु। ऐसी बीमारी देशों में आया, कोरोना का बीमारी देशों को हिला रहा है। पाप अधर्म होने वाला अनेक जगह घबराहट हो रहा है। आमीन हालेलुया। कारण क्या है? प्रभु कितना दिन सहनेगा, कितना दिन सहेगा? प्रभु चलाने वाला, रास्ता में जाने वाला व्यक्ति छोड़ के अपनी मर्जी में, अपनी मन में चलने वाला व्यक्ति आज देशों में ज़्यादा है। हम उसमें नहीं हो जाना चाहिए भाई बहनों। अब याद रखना, प्रभु चलाने वाला रास्ता, मुसीबत हो दुख हो, चलाने वाला रास्ता में हम जाने के लिए तैयार हो जाए। आमीन हालेलुया। हम चलाने के रास्ता में तैयार हो जाए। घर में अभी बैठने के एक समय दिया है प्रभु ने, अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा बाइबल पढ़ो, अच्छा प्रभु के समूह में वचन को पढ़ाई करो, देशों से इस बीमारी से बचने के लिए, देश को बचाने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया गया है। इसलिए बुलाए हुआ भाई बहन लोग, पसंद किया हुआ भाई बहन लोग, हम प्रभु के समूह में उसने चलाने वाला बातों में, वो कष्ट का रास्ता भी हो, मुसीबत का रास्ता में भी हो, प्रभु के लिए अपने आप को नम्रता करके, प्रभु के लिए करके हम कभी भी नाराज नहीं होना। हमें हालेलुया। कभी भी हमारा मन दुख नहीं होना, प्रभु चलाने वाला रास्ता में मुझे चला के लेके जाए, ऐसा करके हम लोग रहेगा तो जरूर इसी लोतों को प्रभु सोदाम का अंदर से बाहर निकल के आया। हमको भी परमेश्वर ने इसी देशों में से, इसी बीमारी से हमको बचाने के लिए अपनी दूधों को उतार के हमको भी पकड़ के बाहर लाएगा। हालेलुया हालेलुया। बाहर लाने के टाइम किधर नहीं मुड़ के देखना, छोड़ा हुआ पाप का जगह, छोड़ा हुआ इसे संसार, छोड़ा हुआ इसे अनेक प्रकार का गंदी बातों को फिर से तू देखने के लगेगा तो तुम वहाँ का वहाँ कम्बा बन जाएगा। आमीन हालेलुया। प्रभु ने बोला देखने का नहीं है। आज और मैं और आप अनेक बातों में प्रभु हमको पचा रहा है, अनेक बातों में अपनी दूध अपने को लेके चल रहा है। पीछे मुड़ के गंदी बातों में मत देखो, अच्छी बातों को प्रभु ने दिखा हुआ बातों को देख के भागो, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए रहो, मरेगा तभी उसके राज्यों में हमको पहुंचाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन में कह रहा है, एक हाथ तेरे लिए पाप करता हो इसे हाथ को कट डालो, एक हाथ में तू प्रभु का राज्य में चला जाना। ये दो टांग है तेरा पास, एक टांग प्रभु के विरोध में काम कर रहा तो एक टांग को कट डाले, एक टांग में प्रभु का राज्य में डाल। उसके अर्थ हाथों पैरों टांगों कटने का नहीं है, आत्मिक रीति जीवन में हमारा अंदर अनेक बात विरोध में काम कर, उसी बातों को उसमें नष्ट होगा भाई बहन, उसमें नष्ट होगा, छोड़ दो, प्रभु के लिए जीना। जरूर प्रभु हमका आशीर्वाद करेगा,
उनके राज्यों में हमको ले जाएगा, वही हमने पहले पढ़ा था वचन में, हमको फिर से पढ़ो उसको। जो सुखम में हाँ सिर रहकर दुखों में तू सिर रहकर हाँ महिमा आदर उनको आनंद जीवन प्रभु देगा। आमीन हालेलुया। दुख आएगा, मुसीबत आएगा, प्रभु के अंदर सघन करके चलो, प्रभु संभालेगा। कुछ नहीं है तो भी प्रभु ध्यान देगा, संभालेगा, तुमको ले जाने का। आत्मिक जीवन को छोड़ना मत, परमेश्वर को उद्धार को मत छोड़ना, सच्चा रहना। जरूर प्रभु हम सबको आशीर्वाद करेगा। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा आज का दिन। हालेलुया, आज का दिन अनेक बातों को प्रभु, हालेलुया हालेलुया, अब्राहम के बारे में, लोतों के बारे में हमारा पीछे में अपने बात किया प्रभु। अब कुछ बातों में कष्ट में दुख में उठाना पड़े तो भी परमेश्वर आपके लिए हम आगे बढ़ने में हमको मदद कर। अनेक देशों देख रहा है, उधर इधर कमाने में, उधर आशीर्वाद इधर आशीर्वाद करके लोग भागने लगा। आज उनके जीवन में क्या हुआ प्रभु, अपनी चेहरा को भी देशों में दिखाने के लिए लायक नहीं हुआ। आज हम भी प्रभु, हमके लिए रखा हुआ जगह, हमारे लिए किया हुआ रास्ता पे हम बराबर चलने में हमको मदद करो प्रभु यार, हमको मदद करो प्रभु, हमको चलाओ, अनिग्रह से साथ दे दे परमेश्वर। हमारा भूल अपा, हमारा कुछ गलती सबको माफ कर दो, आपका अनिग्रह हमारा साथ हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया।